नमस्कार दोस्तों, ई स्किल्स एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 7 मार्च 2018 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सेशन की को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 90वें ऑस्कर पुरस्कार 2018 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द शेप ऑफ वाटर को दिया गया, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमैंड को फिल्म 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइडर एबिंग मिसौरी के लिए मिला, ये भी कथन सत्य है। कथन नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार गैरी ओल्डमैन को फिल्म डार्केस्ट टावर के लिए मिला, ये भी कथन सत्य है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार द शेप ऑफ वाटर के लिए निर्देशक गिलियोरम डेल तोरो को मिला, ये भी कथन सत्य है। तो ऑस्कर अवार्ड 2018 के विषय में कुछ डिटेल ले लीजिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस में के डाल्बी थिएटर में 5 मार्च को 90वें ऑस्कर एकेडमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में फिल्म द शेप ऑफ वाटर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का के सर्वाधिक 4 अवार्ड मिले। इस फिल्म ने को 13 कैटेगरियों में नामित किया गया था। 90वें अकादमी पुरस्कार समारोह के स्मृति खंड में भारतीय कलाकार शशि कपूर और श्रीदेवी को श्रद्धांजलि भी दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, कॉनरेड संगमा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका उत्तर है मेघालय। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। नेशनल पीपुल्स पार्टी के कांग्रेस संगमा 6 मार्च को मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। संगमा के साथ मंत्रिमंडल में शामिल 11 विधायकों को भी शपथ की पद पर एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में शामिल विधायकों को वहां के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने शपथ दिलाई। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 5 मार्च को प्योंगयांग उत्तर कोरिया में आधिकारिक स्तर की बातचीत के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, 2011 में किम जोन उन के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच आधिकारिक स्तर की यह पहली बातचीत है, तो यह कथन सत्य है। कथन नंबर 2, कई वर्षों से लगातार तनाव के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोन उन ने पहली बार दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल से रात्रि भोज में शांति वार्ता की, तो यह कथन भी सत्य है। कथन नंबर 3, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि वे दक्षिण कोरिया के साथ फिर से एकीकरण करने का नया इतिहास लिखना चाहते हैं। किम जोंग उन ने कल दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधियों का सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया, तो ये भी कथन सही है। कथन नंबर 4, पिछले महीने प्योंगचांग में संपन्न हुए शीतकालीन खेलों के बाद दोनों देशों के बीच के संबंधों में थोड़ा सुधार आया, तो ये भी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, चीन के रक्षा बजट में इस वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसका उत्तर है 8.1% की वृद्धि करी गई है। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। चीन ने वर्ष 2018 के रक्षा बजट में 8.1% की वृद्धि कर इसे 175 अरब डॉलर 1110 अरब युआन के की जाने की घोषणा की है। यह भारत के हालिया रक्षा बजट से 4 गुना है। भारत का रक्षा बजट 46 अरब डॉलर का है। पिछले साल चीन ने रक्षा खर्च में 7% की वृद्धि करके 150.5 अरब डॉलर किया था।
चीन अमेरिका के बाद रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाला दूसरा देश सबसे बड़ा देश है। अमेरिका का रक्षा बजट 602.8 अरब डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 5, किन दो बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अभी हाल में ही जुर्माना लगा दिया? इसका उत्तर है एक्सिस बैंक और IOB। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 5 मार्च को एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपए और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। फंसे कर्ज NPA के वर्गीकरण नियमों के उल्लंघन को लेकर एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है और KYC व अन्य नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए RBI ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि दोनों बैंकों पर कार्रवाई नियमों की अनुपालन में कमी को लेकर की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने ताल मेमोरियल रैपिड शतरंज खिताब जीता। इस संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन, यह प्रतियोगिता मॉस्को में खेली गई, ये सही है। कथन नंबर 2, इस प्रतियोगिता के अंतिम दौर में आनंद ने इसराइल के बोरिस गेलफोर्ड से आसान ड्रॉ खेलने के बाद ताल मेमोरियल रैपिड शतरंज खिताब अपने नाम कर लिया, ये भी कथन सत्य है। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। विश्वनाथन आनंद 2 महीने पहले रियाद में विश्व रैपिड खिताब हासिल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिप्लब देव ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अभी शपथ ली है? तो इसका उत्तर है त्रिपुरा। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के बिप्लब देव के नेतृत्व वाली नई सरकार 9 मार्च को शपथ लेगी। जिष्णु देव बर्मन उप मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल IPAFT के नवनिर्वाचित सदस्यों ने बिप्लब देव को विधायक दल का नेता चुना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है इंदिरा नूही। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में इंदिरा नूही को नियुक्त किया गया। इंदिरा नूही इस पद के लिए नियुक्त होने वाली पहली महिला है। वर्तमान में इंदिरा पेप्सिको के चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में ही स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क किस शहर में विकसित किया गया? इसका उत्तर है नई दिल्ली। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क नई दिल्ली में विकसित किया गया है। यह पार्क विभिन्न सुरक्षित तकनीकी विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, राज शाह कौन है? राज शाह उप सचिव हैं। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। राज शाह व्हाइट हाउस के प्रमुख उप सचिव हैं। हाल में ही इन्होंने व्हाइट हाउस की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। राज शाह व्हाइट हाउस की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले पहले भारतीय हैं और राज शाह ने पिछले वर्ष नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स वन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्वेश्चन नंबर 11, नैन्सी पोलोसी कौन है? ये एक सांसद हैं। इसके विषय पर डिटेल ले लीजिए। नैन्सी पोलोसी कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक सांसद हैं। हाल में ही इन्होंने अमेरिकी संसद में 8 घंटे से भी ज़्यादा लंबा भाषण देकर 108 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने गैर दस्तावेजी युवा प्रवासियों को स्वदेश भेजने के बचाव में यह भाषण दिया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल में ही वाइतांगी डे कहाँ मनाया गया? ये न्यूजीलैंड में मनाया गया। वाइतांगी डे न्यूजीलैंड में मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष 6 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस वाइतांगी संधि के जश्न के रूप में मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, देश और दुनिया की कुछ अन्य खबरों पर भी नज़र डाल लें। डोकलाम में गतिरोध स्थल से दूर फिर से सैनिकों की तैनाती। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि भारतीय और चीनी सैनिकों ने डोकलाम में गतिरोध स्थल से दूर फिर से अपनी तैनाती की है। चीन ने वहां सेना के जवानों के लिए हेलीपैड और संतरी चौकियों का निर्माण किया है। दूसरी खबर, मेजर आदित्य के खिलाफ जांच पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 10 गढ़वाल राइफल के मेजर आदित्य के खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी तरह की जांच पर रोक लगा दी है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निश्चित की है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेजर आदित्य कुमार का नाम आरोपियों के कॉलम में शामिल नहीं है। तो अगली खबर पर ध्यान देते हैं। फिल्म अभिनेत्री शम्मी का निधन हो गया।
बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री शम्मी का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शम्मी का असली नाम नरगिस रबाडी था। उन्होंने फिल्म उस्ताद पेड्रो से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। यह फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी। उनकी आखिरी फिल्म श्री फरात की तो निकल पड़ी, जो 2013 में आई थी, इनकी आखिरी फिल्म थी। अगली खबर देख लेते हैं। नौसेना अभ्यास मिलन 2018 की शुरुआत। भारतीय नौसेना की अगुवाई में नौसेना अभ्यास मिलन 2018 की पोर्ट ब्लेयर में शुरुआत हो गई। मिलन 2018 में हिंद महासागर के 22 से ज़्यादा देश भागीदारी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इसे अपनी तरह की सबसे बड़ा सैनिक नौसैनिक अभ्यास माना जाता है। हर 2 साल में होने वाले इस अभ्यास में कई चीज़ें पहली बार होने जा रही हैं, जैसे कि मालदीव इसमें हिस्सा नहीं लेगा इस वर्ष। अगली खबर, रूस पर सीरिया में नागरिकों की हत्या का आरोप। अमेरिका ने रूस पर सीरिया के पूर्वी दौता क्षेत्र में नागरिकों की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाते हुए रूस के सैन्य विमानों ने 24 से 28 फरवरी के बीच रोजाना दशमिक और पूर्वी घौत में कम से कम 20 बार बमों की बारिश की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सीरिया में सरकारी बलों की घेराबंदी वाले विद्रोहियों के क्षेत्र पूर्वी धौता में स्थित की तत्काल जांच करने के आदेश दिए हैं। अगली खबर, यूरिया के लिए 45 किलोग्राम की पैकिंग। खेतों में उर्वरकों के उपयोग को संतुलित करने के प्रयासों के तहत इस महीने से यूरिया को 50 किलोग्राम के बजाय 45 किलोग्राम की पैकिंग में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यूरिया सबसे आम उर्वरक है और इस पर सरकार बहुत अधिक सब्सिडी देती है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार 45 किलोग्राम की यूरिया की एक बोरी की कीमत 242 रुपये होगी।